सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, IL&FS में हुए रीसेंट अपडेट्स के बाद मार्केट के अच्छे दिन फिर से वापस आने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ फाइनेंशियल फिगर्स भी प्रेजेंट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। NCLT के अप्रूवल के बाद अभी गवर्नमेंट IL&FS के बोर्ड के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। इसके बाद एक 6 मेंबर कमेटी का निर्माण हो सकता है। उसमें उदय कोटक चेयरमैन रहेंगे, जीएन वाजपेयी, जीसी चतुर्वेदी, विनीत नायर, मालिनी शंकर और नंदकिशोर जैसे दिग्गज भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। लास्ट एक महीने में IL&FS में डिफॉल्ट पेमेंट के वजह से लगभग 91,000 करोड़ का लायबिलिटी बढ़ गया है और इस नए बोर्ड के निर्माण होने के बाद एक्सेसमेंट प्लान 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अभी हम IL&FS का फिनेंशियल स्नैपशॉट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट फिनेंशियल ईयर में इसका नेटवर्थ 75.2 बिलियन INR था, जो कि अभी घट के 54.3 बिलियन INR रह चुका है। अभी इसका डेट में भी इजाफा होते हुए ये 800.2 बिलियन INR से बढ़ के 910.9 बिलियन INR बन गया है। वैसे ही इसके फिक्स एसेट्स में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, जो कि पहले 488.1 बिलियन INR था, अभी वो बढ़ के 513.0 बिलियन INR बन गया है। वैसे ही इसके बोरोइंग में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऑपरेशन से जनरेट हुए रेवेन्यू में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन वो इसके डेट में रिड्यूस करने में कोई भी मददगार नहीं बन पाया है। और वैसे ही आप देख सकते हैं, पैट वैल्यू भी पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो गया है, जो कि इसके लिए और भी ज़्यादा बुरा परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। रीसेंट डेज में IL&FS में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। LIC के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार IL&FS अभी भी 700 बिलियन INR अपने एसेट्स को बेच के जनरेट कर सकता है और AGM मीटिंग के बाद ये पता चला है कि LIC, ओरिक्स और SBI IL&FS में अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं और उसके लिए वो राइट इशू से लगभग 45 बिलियन INR इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे ही IL&FS अपना 14 एसेट्स को बेच के लगभग 160 बिलियन INR का मनी जुटाने वाला है, जो कि इसका डेट को रिड्यूस करने में मददगार बन सकता है। ये सब वो डायरेक्ट डेट फंड्स हैं, जो कि IL&FS डेट सिक्योरिटीज में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रख चुके हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड, इन्वेस्टो इंडिया प्रिंसिपल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, DSP और BOI जैसे डेट फंड्स ने लगभग 5% से भी ज़्यादा अपना एक्सपोजर रखा हुआ था IL&FS सिक्योरिटीज में। इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ चुका है। इन सब डेट फंड्स ने लगभग 1% से भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू लॉस किया है, क्योंकि इन सब ने IL&FS डेट सिक्योरिटीज में अपना एक्सपोजर रखा हुआ था। और वो सब हैं प्रिंसिपल कैश मैनेजमेंट फंड, मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, प्रिंसिपल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, यूनियन लिक्विड फंड, टाटा ST बॉन्ड फंड, टाटा कॉर्पोरेशन बॉन्ड फंड और ऐसे और कई सारे फंड्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे ही आप बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे औसम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और हमेशा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस पे कमेंट जरूर दीजिए, ताकि YouTube हमारे वीडियो को आगे प्रमोट कर सके।